आएगा 5,500 रुपए के प्रॉफिट में अभी चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। 6,000 टच करने आ चुके हैं, तो अराउंड हम लोग 10,000 जो है टच कर रहे हैं प्रॉफिट में अभी। मतलब 10,000 के ऊपर ही चल रहा था, अभी मैंने जब देखा ये देखो 10,000 पहुंच चुका है। मॉर्निंग पीपल, क्या हाल चाल है? आई होप आप कर रहे होगे बढ़िया अपने ट्रेडिंग में। आज है वेडनेसडे का दिन, एक्सपायरी का दिन है आज। आई गेस आज एक्सपायरी नहीं होगी, कल एक्सपायरी होगी, क्योंकि ये है एंड ऑफ द यू नो मंथ है। एंड ऑफ द मंथ में लास्ट वीक की एक्सपायरी जो रहती है वो थर्सडे को रहती है, तो आई गेस कल होने वाला है एक्सपायरी। बट वी विल सी दैट बैंक निफ्टी का हम लोग वी विल सी दैट। देखो सबसे पहली चीज मेरे को ये तुम्हें पूछना है और ये तुम कमेंट में लिखो कि भाई तुम्हें जो है व्लॉग फॉर्म में पसंद है, या कल मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लाइक वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके नीचे जो मेरा वीडियो चला था वैसा वाला चाहिए, स्क्रीन वाला चाहिए या ब्लॉग फॉर्म वाला चाहिए, तो नीचे ब्लॉग लिखो। और अगर तुम्हें स्क्रीन वाला पसंद आ रहा है तो स्क्रीन वाला लिखो भाई, तो नीचे कमेंट करके मेरे को थोड़ा सा बता दो भाई कि तुम्हें कौन सा पसंद है, क्योंकि जैसा हमारी जनता को पसंद है भाई वैसे ही करेंगे हम लोग। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। आज मार्केट जो है गैप अप हो रहा है, जैसे कि हमने कल बात किया था एंड ऑफ द वीडियो में, हम लोग ने बात किया था कि ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करेगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, एंड वी विल सी दैट इन अ बिट। अभी जो है क्या कैंडल फर्स्ट बनाता है उस हिसाब से हम लोग जो है प्लानिंग करेंगे अपनी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक्चुअली भाई मेरी स्क्रीन जो बड़ी वाली स्क्रीन थी वो वाली तो वो वाली खराब हो चुकी है, जिस टीवी पे हम लोग देखते थे, बट इस पे ही हम लोग अभी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। और यहाँ पे देखो, अब सबसे पहली कैंडल अगर ये रेड बनाता है और अंदर क्लोज कर जाता है, ठीक है, ये लेवल के अंदर क्लोज कर जाता है, तो मैं तुम लोगों को लेवल बताता हूँ कौन सा लेवल है। यहाँ पे ये वाला सपोर्ट, अच्छा ठीक है, ये वाला सपोर्ट है और एक ये रेजिस्टेंस का एरिया है ऊपर, और ये बीच में बोल सकते हैं ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसे हम लोग ले सकते हैं एज अ ये 47,900 जिसमें हम लोग ने फर्स्ट अपनी पोजीशन बनाई थी इस दिन पर, और सेकंड पोजीशन हम लोग ने 48,000 पे बनाई थी। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेता है ये लेवल पे, जैसे कि अभी ले रहा है और अंदर क्लोज हो जाता है, तो हम लोग जो है कॉल सेल करने के लिए जाएंगे, डेफिनेटली वी विल गो फॉर अ कॉल सेल। और ठीक है, गैप अप हुआ है मार्केट, वो लॉट ही रखते हैं यार, इसमें लॉट साइज चेंज नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि लॉस होता है तो लॉस होने दो, है ना, जो भी फुल क्वांटिटी में ही होने दो और फुल क्वांटिटी में ही प्रॉफिट होने दो, तो बिना वजह क्वांटिटी साइज ऊपर नीचे करके मतलब नहीं है। विल कीप द सेम क्वांटिटी थ्रू आउट ऑल द सेशंस। तो शुरू करते हैं भाई, इस कैंडल को क्लोज हो जाने दो, हम लोग जो है तब तक बास्केट ऑर्डर तैयार कर देंगे, है ना, बास्केट ऑर्डर जो है तैयार कर देते हैं, और इसको जैसे ही जब भी क्लोज हो जाएगी हम लोग को पता चल जाएगा क्या सीन है क्या सीन नहीं रहने वाला है। हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि ये वाली जो है कैंडल बना सकता है सेम वे में, ठीक है, ये जो कैंडल है ना इस तरीके की कैंडल यहाँ पे बना सकता है, देखो अभी भी बना रहा है, अगर वैसे ही क्लोज होता है तो वी विल हैव गुड सेलिंग पॉइंट, ठीक है, गुड सेलिंग पॉइंट हो जाएगा। और अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ऊपर जाता है तो और एक बार ट्राई करेंगे, कहाँ पे, यही 48,000 वाले लेवल पे हम लोग जो है ट्राई करेंगे अगेन, या उसके थोड़े पहले, ठीक है, फर्स्ट कैंडल में घुस रहे ठीक है चलेगा, अगर ग्रीन बनती है तो और अच्छी बात है भाई, ग्रीन बनती है ऊपर पे बंद होती है तो और अच्छी बात है, बट ऐसी बनती है तो भी अच्छी बात है। अगर ये रेड बनती है ना भाई, एकदम ही ऐसी कैंडल बन जाती है, एकदम ही अंदर आ जाती है, तो फिर थोड़ा सा है ना क्वांटिटी तो कम करना ही होगा वहाँ पे भाई, क्योंकि वहाँ पे फुल क्वांटिटी नहीं रख सकते, मेरे को इतना पसंद नहीं है भाई ऐसे कैंडल्स पे फुल क्वांटिटी जाना। सो लेट्स स्टार्ट दिस एंड विल सी क्या होता है। ऑल राइट, तो सीन अभी ऐसा हो चुका है ना, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा प्लान चेंज हो चुका है। क्यों प्लान चेंज हो चुका है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो निफ्टी, देखो यहाँ पे भाई निफ्टी हमारा साथ नहीं दे रहा इतने दिन से, हालांकि वो हम लोग को फॉल का बेनिफिट मिला वहाँ पे, बट निफ्टी जो है अप ट्रेंड में जाया जा रहा है, और जब तक निफ्टी एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे, जैसे कि ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, वहाँ तक नहीं पहुँचता, हम लोग ये मान के नहीं चल सकते कि यार एक फॉल आएगा या एक रिवर्सल आएगा, क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं खींचता है बैंक निफ्टी को, हालांकि बैंक निफ्टी फिर भी नीचे पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कल देखोगे यहाँ पे ये निफ्टी ने जो है अपसाइड पर ही पूरा अपसाइड चैनल बनाया पूरा, और ये ऐसे 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 करके ऊपर साइड पर ही जा रहा है। तो ये जो रैली आ रही है ना यहाँ पे निफ्टी में, दैट्स द कंसर्न,
अभी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक करे और फिर ऊपर पे निकले, है ना। हमें क्या चाहिए भाई, एक रेजिस्टेंस लेवल पे आए, एक रेजिस्टेंस लेवल पे आए और वहाँ पे हम लोग जो है सेल मारे, ठीक है। तो अभी जो है मैं एक ही पोजीशन यहाँ पे बनाने वाला हूँ, लाइक एक ही लॉट सेल करने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे कि चेक कर पा रहे हो कि ये वाला, ठीक है। द ओनली रीज़न बीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको और नीचे ले लेते यार, इतना हम लोग को इन द मनी नहीं सेल करना है, कल वैसे भी एक्सपायरी है तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। 334-330 सही है, ठीक है, 35,000 का मार्जिन लग रहा है। एंड वी कैन वेट फॉर दिस हाई, अभी जिस हिसाब से निकल गया वी कैन वेट फॉर द हाई। बट मेरे को है ना भाई, ये देखो ये फ्यूचर्स में अच्छा लग रहा है, ठीक है, फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर निफ्टी एक बार देख लेते, फिर निफ्टी भी अभी तक रेजिस्टेंस पहुँचा नहीं है, ठीक है। तो लिटरली आई एम टेकिंग अ रिस्क विच इज़ नॉट वर्थ इट आई गेस, यहाँ पे वर्थ तो नहीं है भाई। बस मैं एक ही कॉन्फ्लुएंस से जा रहा हूँ, वो है वो है ये, ठीक है। इसके वजह से ये फ्यूचर्स के चार्ट के वजह से ही मैं जा रहा हूँ। और कभी कभी फ्यूचर का चार्ट हमें बहुत अच्छे अच्छे मौके देता है ट्रेड करने के, और अगर इफ आई एम राइट देन वी कैन हैव अ गुड ट्रेड ओवर हियर, वी कैन हैव अ गुड ट्रेड। बट इफ आई एम रॉन्ग वी कैन वी नो दैट हाउ मच वी आर गोइंग टू लूज, बट इफ वी विन वी नो हाउ मच वी आर गोइंग टू विन, दैट्स द थिंग। अगर ये अपर लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है, स्टार्ट कर देते इसको अपर लेवल पे, जैसे कि कल वाले लेवल पे मैं कल क्या बोल रहा था कि यहाँ पे ऊपर तक पहुंच जाता है ना एक बार मार्केट, तो हम लोग यहाँ पे आज ही सेल कर देंगे। लेकिन कल इसने यहाँ पे 48,000 का लेवल पे टच नहीं किया था, राइट। तो वी कैन वेट फॉर द वन कैंडल, ठीक है। यहाँ पे इतना आ गया है तो और एक कैंडल के लिए वेट करने के लिए कोई नहीं जाता भाई, और एक कैंडल के लिए वेट कर लेते हैं, ऊपर पे टच हो जाने दो। एक बार टच हो जाता है तो फिर हम लोग जो है पोजीशन बनाते हैं, और डायरेक्टली हम लोग चार की पोजीशन बनाएंगे ना फिर, काई के लिए एक एक पोजीशन बना के फिर टेस्ट करने का मार्केट को, ठीक है। मैं यही सोच रहा हूँ, अभी ये वाले तक आ जाने दो, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे मतलब रेजिस्ट कर लेने दो मार्केट को। निफ्टी भी उतने टाइम में कंफर्मेशन दे देगा हम लोग को कि भाई नहीं, ऊपर नहीं जाना चाहता या वहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहता है या उसको ब्रेकआउट करके निकलना चाहता है ऊपर पे, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच और ये वाला गेम रहेगा। मेरे को फ्यूचर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्यूचर्स इज द पार्ट। यार एक सेल ही कर देते, चलो रिस्क ले लेते, चलो कंफर्म कर देते, जो होता है देख लेंगे, ठीक है। इसमें 342 है, 392 लगा देते हैं, लॉस तो लॉस, चलो जो होगा देखा जाएगा भाई। 342 प्लस 50 पॉइंट्स, होता है बराबर है, 392 सही रखे हुए, लॉस तो लॉस प्रॉफिट तो प्रॉफिट, जो भी ये देख लेंगे अपन। मतलब एक ही कॉन्फ्लुएंस लेके मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया है, विच इज रॉन्ग, बट इफ इट गिव्स प्रॉफिट और वी कैन टेक एन अकाउंट कि नहीं यार ये चलता है, ये चीज़ चलती है। तो मैं कभी कभी ऐसे ऐसे चीज़ें ट्राई करते रहता हूँ, छोटे छोटे लॉट में ट्राई करता हूँ, लेकिन आई डोंट गो बिग ऑन दिस, ठीक है। जहाँ पे मेरे को लगता है जहाँ पे बिग जा सकते हैं वहाँ पे ही मैं बिग जाता हूँ। और फिर निफ्टी ऑलमोस्ट टच करने आ चुका है बस भाई, और एक ऊपर पे जाके आ जाए तो बस वी विल हैव अ गुड थिंग। यहाँ पे 20-21 रुपये का लॉस प्रॉफिट चल रहा है, हिट होता है तो हिट हो जाने, तो एक ही लॉट है भाई, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अकाउंट को, समझ रहे हो। रिस्क ऐसे लो, ऐसे आड़े टेढ़े रिस्क लेते हो ना, तब तो कम रिस्क लो, बस भाई और कुछ नहीं। हमें मालूम है प्रॉफिट कितना आएगा ना, बस हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड पे भरोसा है भाई। बट हाँ, मैं थोड़ा सा बचाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा थोड़े बहुत लॉसेस बच जाए बिना वजह के। हम लोग सिस्टमैटिकली ट्रेड तो नहीं कर रहे, सिस्टमैटिकली ट्रेड करते तो शायद यहाँ पे सिस्टम अपने आप ही यहाँ पे ऑर्डर पंच करता था, लाइक रोबोट रहता तो यहाँ पे ऑर्डर पंच ही करता था जिस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी है। बट हाँ ऑफकोर्स यार, लाइक हमें भी कभी कभी रोबोट बन जाना पड़ता है, और कभी कभी चीज़ें चल जाती हैं एंड यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट व्हाई इट हैपेंड। मार्केट को कोई प्रिडिक्ट तो एकदम ही
एग्जैक्ट प्रिडिक्ट तुम कर ही नहीं सकते, यू जस्ट हैव टू बहती नदी में बस तुम एक प्रिडिक्ट कर रहे हो कि यार ये साइड जाएगी कि वो साइड जाएगी, दैट्स ऑल। ऑल राइट, सो हम लोग गलत थे यहाँ पे एंड मार्केट वॉज राइट और हमारा कॉन्फ्लुएंस वॉज राइट कि नहीं यार यू नो सबको आ जाने दो आराम से निफ्टी वगैरह को और फिर ये ट्रेड बनाओ। एंड आई ऑलवेज टेक दैट काइंड ऑफ ट्रेड, दैट्स वाई यू सी कि काफ़ी यू नो प्रिसाइज एंट्री की हो जाती है हमारी भाई, इस वजह से ही होती है। मैं कभी कभी यू नो पहले पहले एक एक लॉट मारता हूँ ना, एक एक लॉट कभी भी ट्रेड करता हूँ, इसी वजह से ट्रेड करता हूँ भाई कि मेरे को वहाँ पे डाउट रहता है, बट होते कभी कभी क्योंकि यू कैन नॉट बी एग्जैक्ट एवरी सिंगल टाइम इन टू द मार्केट। ठीक है, तुम हमेशा एग्जैक्ट एंट्री बोलोगे ना कि यहीं से मार्केट को पलटना है, नहीं होगा भाई, मार्केट कभी एग्जैक्टली वहीं से नहीं पलटेगा, या तो ऊपर जाके आएगा या तो नीचे से ही पलट जाएगा। तो हमें बस चांस लेना है, यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है और यहाँ पे लेना है, ये तीन जगह, ऐसे हमारे तीन ट्रेड बन जाते हैं दिन के, मैक्स लॉस ठीक है इतना ही रहता है हमारा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे तीन ट्रेड दो ट्रेड ही लेता हूँ। अभी देखो निकल रहा है ऊपर साइड पे हमारा, यहाँ पे 300 रुपए का लॉस चल रहा है, 320। अभी ये लॉस मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, ऐसा नहीं लगेगा अरे भाई क्या कर दिया मैंने, मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इसी वजह से ऐसा ट्रेड बनाया है कि यहाँ पे फ़र्क ना पड़े और हमारा जो अगला ट्रेड बनेगा, अब बनेगा हमारा अगला ट्रेड, और यहाँ पे भी मेरे को तीन क्वांटिटी आई गेस सही लग रही है और 48,000 एक बार टच कर लेने दो, फिर हम लोग जो है फुल लॉट के साथ जाएंगे यहाँ पे। ऑल राइट ठीक है, निफ्टी भी सही है, फिर निफ्टी भी सही है। वेल इतना भी हम लोग गलत नहीं हो गए थे यहाँ पे, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ सीन क्या चल रहा है। ये देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे आके हवर कर रहा है और जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमें चाहिए था वहाँ पे टच तो कर रहा है मार्केट, और यहाँ पे आई एम गोइंग टू एड मोर पोजिशन, इसको और थोड़ा सा बढ़ लेने दो ठीक है, चलेगा, ऊपर जा रहा है, वहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे पोजिशन। और एक अगर SL कट जाता है ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट करता है, एक SL कटता है तो और एक हम लोग के पास पोजीशन बनाने के लिए रहेगा पूरा फोर लॉट का। तो अगली बार हम लोग फोर लॉट डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे, अभी जो है और तीन लॉट शॉर्ट करेंगे हम लोग। लेट्स सी, अभी थोड़ा सा ये बढ़ रहा है, जैसे कि चेक कर पाओगे अब थोड़ा बढ़ रहा है, अब एक्चुअल में बढ़ रहा है एंड आई गेस कि ये हमारा स्टॉप लॉस कट कर देगा, बट हमें जो है एक अच्छा लेवल मिलेगा सेल करने के लिए। और अगर ये कट जाता है, ओके कट ही गया है, तो अब हम लोग जो है चार लॉट में सीधा सेल करेंगे। ऑलराइट, अब इट्स गुड नाउ व्हाट वी वांटेड। तो ये वाला सीन रहने वाला है भाई, एक नंबर जहाँ पे चाहिए था हमें वहाँ पे मिल रहा है एंड दैट्स ऑल वी वांटेड। ठीक है, एक स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है हम लोग रॉन्ग थे वहाँ पे एंड वी शुड हैव वेट ओवर देयर, बट ठीक है हमने जो है एक लॉस लेने की यहाँ पे यू नो थोड़ी सी चुल रहती है ना मेरी फर्स्ट पोजिशन बनाने की, वो चुल मैंने अपनी ख़त्म कर दी यहाँ पे एक लॉट पे ट्रेड करके। अब मैं जो है शांति से ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है अपनी चुल को मैं ऐसी अपने अंदर के कीड़े को है ना ऐसी मैं शांत करवाता हूँ भाई, ले ट्रेड फिर देखेंगे जो होगा होगा। ठीक है 700-800 रुपये ऐसी दे दिए मार्केट को, खा जाने दो उसको थोड़ा सा ऐसा। निफ्टी अभी तक टच नहीं किया भाई, मेन बात ये कि एक बार टच कर लेगा ना हाई अपना, तो वी कैन सी कि नहीं यार यहाँ पे यू नो वी हैव अ वेरी गुड पोजीशन, लाइक गुड पोजीशन, बट दैट्स फाइन। ठीक है एक वीक मारा है एंड 48,000 का लेवल टच किया है कि नहीं किया इसने अभी तक, 48 हाँ टच कर दिया भाई, ठीक है दैट्स फाइन दैट्स ग्रेट, लेट्स गो अहेड एंड सी क्या होता है। ऑलराइट, तो हम लोग ने जो है फोर लॉट यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे, और मार्केट में दिखा देता हूँ यहाँ पे क्लोज किया है, ये क्लोजिंग पे हम लोग ने जो है एंट्री ली है, ठीक है ये वाली क्लोजिंग पे हम लोग ने एंट्री ली है एंड लेट्स सी विल इट प्ले आउट इन आवर साइड और विल इट नॉट। सो लाइक ये लॉस कम होता जाएगा, मतलब समझ लो कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल रहे हैं हम लोग, और या लेट्स सी क्या होता है यहाँ से मार्केट क्या करता है। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव हिट आवर स्टॉप लॉस, ऑफिशियल स्टॉप लॉस अभी जो है हिट हो चुका है एंड एज यू नो निफ्टी हमें धोखा दे रहा है और अभी जाके निफ्टी ने टच किया है अपना हाई एंड एज यू नो दिस व्हाट रियली मैटर्स, दिस इज व्हाट रियली मैटर्स।
कि यार हर एक जगह से जब तक कंफर्मेशन ना मिले तो मैं एकदम स्नाइपर एंट्री चाहिए ना भाई, एकदम स्नाइपर वाली एंट्री कि यहाँ पे जहाँ पे तुम लोग सेल करो वहाँ से एकदम मार्केट पलट जाए, तो यू हैव रियली हैव टू वेट फॉर द कॉन्फ्लुएंसेस एंड यू रियली नीड मोर कंफर्मेशन, ठीक है। नाउ जब तक ये 48,068 ठीक है टच नहीं कर देता ना, अब मैं ट्रेड नहीं ले सकता अगर मेरे को स्नाइपर एंट्री चाहिए ब्रो। That's the rule. More confirmation means more better trade. हम लोग का stop loss hit हो गया, that's fine. We'll take one more trade. If it does not work, then we'll go to sleep. Like literally, मैं छोड़ दूंगा market. मैं इसके साथ लड़ना नहीं चाहता, है ना? और एक trade का wait करेंगे हम लोग. That's fine. और अगर और confirmation trade चाहिए भाई, फिर futures के लिए भी wait करो. You know, ये सब चीजें matter करती है. अभी futures के लिए भी wait करो. स्पॉट के लिए वेट करो, निफ्टी के लिए वेट करो एंड बैम यू विल हैव द बेस्ट एंट्री एवर, ठीक है। ये मैं तुम लोगों को सीधा सीधा अपनी प्लेबुक दे रहा हूँ भाई, यूज करो इसको। सो वी आर इन अ लॉस ऑफ लाइक 3750, डजंट मैटर, ठीक है। कहीं ना कहीं यू नो उम्मीद थी ये स्टॉप लॉस सेट कर देगा, फर्स्ट वाला तो उम्मीद थी भाई कि स्टॉप लॉस सेट कर देगा वहाँ पे, सिर्फ वी जस्ट प्ले आउट, लेट्स सी आगे क्या होता है। ऑलराइट, ट्रेड अपडेट। तो यहाँ पे जैसे कि चेक कर पाओगे कंटिन्यूसली मार्केट जो है अपसाइड पे सिर्फ जाए जा रहा है, लाइक एक पुल बैक भी नहीं दिया है, लाइक रेड कैंडल पुल बैक भी नहीं दिया है, बस पुल बैक दे रहा है एंड बाइंग सिर्फ बाय करते जा रहे हैं भाई, और पता नहीं कौन बाय करते जा रहा है इतना, आई डोंट नो हु इज बाइंग दिस शिट, बट हम लोग ने जो है ये बस ऑर्डर मैं बस प्लेस अभी तक किया नहीं हूँ, ठीक है। वही लॉस है हमारा 3750 एंड अभी देखो मार्केट ऊपर पे निकल रहा है एंड मैं बस इसको ट्रैक कर रहा था 382। ओ भाई लाइव देखो भाई कैसा निकल रहा है, ये देखो अब टच कर दिया ना इसने, अब आएगा मजा भाई, अब टच कर दिया ना इसने, अब सही है। नाउ वी आर एट द राइट पोजिशन टू सेल, बट इसने जो ब्रेकआउट दिया है ठीक है ब्रेकआउट दे दिया है, इसने भी टच कर दिया है फिन निफ्टी ने, अब लेंगे हम लोग रिस्क मेरे भाई, अब लेंगे रिस्क हम लोग, और ये है टाइम रिस्क लेने का। निफ्टी ने भी अपना हायर लेवल टच कर दिया है और ये बस निकलते जा रहा है। सही है। वी आर एट द राइट साइड भाई, हमने वेट किया, मैं रुका भाई कि नहीं ठीक है, थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसको निकलने दो, लेट सी, और फिर हम लोग ट्रेड पंच करेंगे। अब हम लोग जो है हमारा जो है यहाँ पे रिस्क जो हमने बचाया है उसको यू नो यहाँ पे ले सकते हैं, ये वाला जो रिस्क बचाया है यहाँ पे हम लोग वो वाला रिस्क ले सकते हैं, बस इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो, हमें बस इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, बस और कुछ नहीं मेरा भाई। आई अपडेट यू गाइस एज सून एज आई डू इट, ठीक है। यही वाला हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, बस इसको थोड़ा सा ऊपर पे लेके जाते हैं एंड वी विल गो फॉर द 4 lots, ठीक है। अब डायरेक्टली वी वोंट वेट कि यार यहाँ पे ये वो ना ब्रो, मौका है सेल मारो, ठीक है। दिख रहा है मार्केट में पुल बैक नहीं आ रहा एक भी और कहीं पे कॉन्फ्लुएंस नहीं दिख रहे, बट हमारी स्ट्रेटजी बोल रही भाई सेल मारो। तो हम लोग अगर स्ट्रेटजी को अपडेट करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत मेरे को कहीं ना कहीं अपडेट लाइक लग रहा है कि थोड़े चीजें मैं इवॉल्व होते जा रहा हूँ, लाइक अपनी ट्रेडिंग में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को तुम इवॉल्व करते रहोगे एंड द मोर यू डू इट द मोर यू नो कि यार यहाँ पे लेना चाहिए यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। एंड वही मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे को वो वाली चीज दिख रही है मार्केट में कि लाइक यू नो आई कैन सी एंड आई कैन सेंस इट, या कुछ और कॉन्फ्लुएंसेस हमें ऐड करना चाहिए, या जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बना रहा है दिन का वो भी हम लोग वी टेक इट इनटू एन अकाउंट कि यार कहाँ पे क्लोज हो रहा है कहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा है, कहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है कहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर रहा है, ये सब थोड़ा बहुत ऐड करूँगा, मेरी स्ट्रेटेजी और बेहतर हो जाएगी एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर फॉरवर्ड 2024। वी आर कमिंग विद अ गुड एंड मच मोर बेटर एक्सपीरियंस, मेक्स यू बेटर, दैट्स फाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे जाते जा रहा है एंड जाते रहने दो भाई, हम लोग लेंगे यहाँ पे ट्रेड जरूर लेंगे भाई, जरूर लेंगे, जितना जितना ऊपर पे मिलता है उतना अच्छा है हमारे लिए, बिकॉज दैट्स अ ट्रेड वी वांट, ठीक है। फिर निफ्टी भी ऊपर पे निकल गया है, लाइक यार यही तो ट्रेड चाहिए था हमें भाई, कब से यही ट्रेड का तो इंतजार में थे हम लोग, ये टॉप लेवल पे भी पहुंच चुका है उसको भी क्रॉस कर रहा है, ओए होए होए होए,
मजा आ गया भाई, लाइव में देख लिए, तुमने लाइव देख रहे हो। और आई होप आई गेस ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट भाई लाइव देखने मिल रहा है, देख लो, मजे कर लो भाई लाइव। ठीक है, हम लोग लाइव एंट्री करके दिखाएंगे, लाइव चीजें करके दिखाएंगे, जितना हो सकता है उतना मैं लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट वो टाइम पे मेरे को यू नो ट्रेड्स वगैरह लेने रहते हैं इस वजह से। ओके, ये भी टॉप लेवल पे पहुंच चुका है, आने तो और एक लास्ट लेवल ये रहने वाला है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना। दिस इज व्हाट वी वांटेड। फिन निफ्टी निकल गया है। फिन निफ्टी देखो भाई, प्यारा सा प्राइस एक्शन बनाते हुए निकल रहा है ना, तो ये सब प्राइस एक्शन वगैरह मैं थोड़ा ऐड करने वाला हूँ इसके अंदर, ताकि हम लोग थोड़ा और बेहतर ट्रेड्स ले पाए। राइट, दिस इज अ गुड ट्रेड, लाइक बाइंग वालों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। अच्छा हुआ मैंने एक और एंट्री नहीं बनाई, बिना वजह फालतू का वहाँ पे लॉस जाता था, और फिर अभी ये वाला ट्रेड ले नहीं पाते हम लोग। ठीक है, एंड दिस इज अ गुड ट्रेड। आई कैन डेफिनेटली से यू, अगर मार्केट को नीचे सेलिंग में जाना है तो ये वाला परफेक्ट लेवल है मेरे भाई, ये वाले लेवल से कोई परफेक्ट लेवल हो ही नहीं सकता, मैं बोल सकता हूँ, ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ। अगर हाँ बाइंग साइड पे जाना चाहता है, क्योंकि एक भी रेड कैंडल नहीं दिखी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो वो है कि एक भी रेड कैंडल नहीं दिख रही है, एंड दैट्स काइंड ऑफ लाइक दैट्स द ओनली थिंग मेरे को यहाँ पे बॉदर कर रही है, बट स्टिल आई विल गो विथ 4 lot। ठीक है, ऑलराइट गाइस, द ट्रेड हैज बीन मेड, और काफ़ी वॉलेटाइल हो गया मार्केट यहाँ पे, जैसे कि चेक कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी ह्यूज मूव देखने के लिए मिली है हम लोग को यहाँ पे अपसाइड पर, और यू नो खतरनाक मूव आ गई है, यहाँ तक मार्केट आ गया, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आ गया मार्केट, एंड यहाँ से क्या करता है वो हम लोग चेकआउट करेंगे। एंड दिस इज़ वॉट द बैंक निफ्टी फ्यूचर्स लुक लाइक, प्लस दिस इज़ वॉट द निफ्टी लुक्स लाइक। ठीक है, निफ्टी इस तरीके का दिख रहा है, बैंक निफ्टी इस तरीके का दिख रहा है, एंड फिर निफ्टी तो मैं दिखा देता हूँ, फिर निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है, एक पुल बैक आता है, क्या आता है, फिर लाइक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता है, विल सी दैट इन अ बिट। अब जो है हम लोग ये इसमें चल रहे हैं, 4 lot टोटल हम लोग ने यहाँ पे, सेलिंग आएगा तो एकदम ड्रास्टिक ही आएगा, और हम लोग ड्रास्टिक ही सेलिंग यू नो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट की तरफ से, ऐसा नहीं कि भाई टाइम पास कर रहा है, आधा घंटा मैक्स टाइम पास कर सकता है, एक दो कैंडल और फिर नीचे आए तो भी चलेगा, बट दिस इज़ अ टाइम वेयर वी टेक अ रिस्क और वेयर वी एक्चुअली यूटिलाइज दिस मूव। ठीक है, 500-600 रुपये तक प्रॉफिट चला है, देख रहे हो कितना प्रॉफिट फ्लक्चुएट कर रहा है यहाँ पे, बिकॉज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका है इस टाइम पर। विक्स देख लेते एक बार, विक्स क्या कर रहा है, विक्स इज अराउंड 15 क्रॉस कर दिया विक्स ने, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक भाई 15 क्रॉस करना इज अ बिग थिंग। ठीक है, इतने टाइम तक 15 क्रॉस नहीं किया था, और ये विक्स जो है अक्टूबर के बाद से ही बढ़ना स्टार्ट हुआ है, यू कैन सी दैट, उसके पहले बहुत स्टैगनेंट था। ठीक है, सही चल रहा है। ठीक है, तो अभी अराउंड हम लोग 1300 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे हैं, एंड यू कैन सी मार्केट एक डिप दिखा रहा है, एक बार क्लोजिंग नीचे आ जाए भाई फिर ही हम लोग इसको यू नो लाइक एक्चुअल मानेंगे कि नहीं ये क्लोज करना चाहता है। और 4 lot में 1000 रुपये दिखा रहे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है ये, समझ रहे हो। अब जो है निकलना चालू हो गया, अराउंड 4000 के प्रॉफिट में हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे अब डिप दिखा रहा है मार्केट, लेट सी 5000 पहुंच चुके हैं, 5500 रुपए, विल इट गो इन अवर वे और नॉट, विल सी। इसका लो क्रॉस करके क्लोज होना चाहिए भाई, एक लो क्रॉस करके क्लोज हो गया ना भाई फिर मजा आएगा। 5500 रुपए के प्रॉफिट में अभी चल रहे हैं, लेट सी क्या होता है। 6000 टच करने आ चुके, सो वी आर टचिंग अराउंड 7000 के ऊपर हमारा जो है प्रॉफिट पहुंच चुका है। यहाँ पे तुम लोग को मैं बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, भाई साहब बैंक निफ्टी को देखो, कर क्या रहा है ये, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है, और एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट में शार्प फॉल आई है, और जैसे कि हमने बोला था कि भाई एक या तो शार्प फॉल दिखा सकता है या तो सीधा यू नो, बट ये रिट्रेसमेंट मेरे को नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट कहाँ से पता है, इसका लो देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई, इसका लो देखो भाई 48,000 के लेवल से है, दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक इट। और 15 मिनट्स की कैंडल देखेंगे, देखो यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, विच आई डोंट लाइक इट। सो एक बार ये बस ये 48,000 का लेवल तोड़ दे और इसके नीचे क्लोज हो जाए ना ये भाई, ये फिर टेंशन चले जाएगा हमारा काफ़ी हद तक। तो अराउंड हम लोग 10,000 जो है टच कर रहे हैं प्रॉफिट में अभी, जब 10,000 के ऊपर ही चल रहा था, अभी मैंने जब देखा ये देखो 10,000 पहुँच चुका है,
और कैंडल की लो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कितनी लगा के आया है। ये लो जो है 180 लगा के आया, मतलब अच्छा खासा हम लोग जो है चल रहे हैं। और अब इसको होल्ड करेंगे, यू नो कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने 3 का लेके आ गया है, रिस्क फ्री ट्रेड हो चुका है। एक को जो है स्टॉप लॉस नॉर्मल रखा है, एक कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ गया है। सो लेट्स सी क्या होता है। इस पोजीशन को हम लोग होल्ड करेंगे और नेट नेट हम लोग जो है 5,000-5,500 में चल रहे हैं क्योंकि इस पोजीशन के वजह से। ठीक है, सो गाइज मार्केट देखो इसने क्या कर दिया है भाई, पूरा ही मार्केट पलट चुका है। यहाँ पे आया, यहाँ पे हमें अच्छा खासा 10,000 के ऊपर तक प्रॉफिट दे रहा था और प्रॉफिट दिखाने के बाद यहाँ पे 48,909 का लेवल है ये, जैसे कि चेक कर पाओगे इधर पे 47,909 का लेवल है ये, और यहाँ से मतलब 48,000 का लेवल ही पकड़ लो, यहाँ से सपोर्ट लिया इसने और फिर अपसाइड पर चले गया है पूरा टोटली। नाउ वन थिंग विच दिस शोज कि यार मार्केट आज अप ट्रेंड में था। सबसे पहली बात, हम लोग सेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे किस में, अप ट्रेंड मार्केट में, तो ऑफ कोर्स हमें जो है वो वाली रैली नहीं दिखने के लिए मिलेगी क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट था और आज कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट की अप ट्रेंड में था। एंड मैं तुम लोगों को PNL दिखा देता हूँ, अब जो भी था वो था भाई, हमें जो है PNL हमारा 4,000 के लॉस में है। हम अच्छे खासे प्रॉफिट में पहुंच चुके थे, हम लोग ने लॉस जो बुक किया इसके अंदर ये वाला है, हाँ ये वाला है 60 पैसे हमने 1 रुपये गवाए हैं इसके अंदर जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट है, और ये हेजेस है और ये फर्स्ट वाला लॉस है। तो 4,000 के लॉस में हम लोग आज दिन कर रहे हैं एंड इसका वेरीफाइड लिंक नीचे मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। और बस यही था भाई, ये हम लोग का डायरेक्शन गलत होने के कारण ये हम लोग को फेस करना पड़ा। ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी बोल रही थी कि नहीं सेल करना चाहिए क्योंकि अभी तक हम लोग को जो है बुलिश का कुछ कॉन्फ्लुएंसेस नहीं मिल रहे थे, सो दैट्स व्हाई। बट ठीक है, जो भी रहा, करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और ये काफ़ी डिटेल्ड व्लॉग था आज का, इतना बड़ा व्लॉग मैं कभी बनाया नहीं हूँ, बट आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कॉमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।